फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में आपको पैराग्राफ बताया और काफी मैंने पैराग्राफ आपको समझा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट टीचर और ए विजिट टू जू जो पास्ट में बताया, और उसमें मैंने आपको सारी चीजें समझाई कि पास्ट में कुछ किस प्रकार से करते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई, और उनके बारे में सारी चीजें लिखेंगे। वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, किस किस लोगों को तुम देखते हो, वहाँ पर क्या दृश्य होता है, लोग बाग वहाँ पर किस सिचुएशन में होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, भीड़ बहुत अधिक होती है, ऑफर्स होते हैं, जो अपनी चीजों को बेच रहे होते हैं, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स वहाँ पर होती हैं, जो मतलब थोड़ा अन्य चीजों से जहाँ वहाँ पर कुछ डिफरेंट रहती है, तो वही सब कुछ अपन को इसमें टेस्ट है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं।
देखिए मैंने पूरा ये लिखा, इसको स्पेलिंग और बेस देखे क्या लगता समझा इसको। लास्ट मंथ पिछले महीने आई ट्रेन टू रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर गया तो किसी मई अपने चाचा जी को लेने के लिए। वो बस कमिंग फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से आ रहे थे। आई डिड नॉट सी द सीन ऑफ द रेलवे स्टेशन, मैंने रेलवे स्टेशन पर कुछ नहीं देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई बॉट प्लेटफॉर्म टिकट टू एंटर। सबसे पहले इसमें प्रवेश करने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ली। इसमें अंदर जाने के लिए द पैसेंजर्स वर स्टैंडिंग, लोग खड़े यात्री खड़े हुए थे। दे वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन, दे वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन। मैक्सिमम दो पैराग्राफ आते हैं, जिस एक तो 4 पैराग्राफ
और थोड़ा सा इसके बाद में आपको कराऊंगा कलर्स ये भ्रष्टाचार। अगला जो अपना पैराग्राफ होगा वो होगा कलर्स।
और इसे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग इसके बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करोगे, करप्शन क्या होता है, हमें करप्शन के बारे में क्या लिखना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वर्ल्ड लेवल पर या लेवल पर होती है, उनको सॉल्व करने के लिए या उनके बारे में लिखने के लिए उनको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। एंड अधिकतर मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज राइट कि हाउ टू स्टार्ट इट, इसको कहां से, वेयर इज दिस टारगेट, इसको कैसे टारगेट करें, ऐसी कौन सी लाइन है जिससे कि इसको एक अच्छी तरीके से हम इसको स्टार्ट कर सके और बढ़िया तरीके। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि करप्शन, ऐसे चैलेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, चाइल्ड लेबर है और डाउन सिस्टम है। ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके बारे में हमको जब कोई मतलब एक पैराग्राफ देते हैं तो जैसे मान लो हमारे 75% है, तो मैंने जो भी ये प्रॉब्लम्स बताई आपको जैसे करप्शन है, चैलेंजिंग है, ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा ये सबके लिए, ये सभी सबके लिए पैराग्राफ करेंगे तो अपन 45% बिल्कुल सभी के लिए फिक्स कर दूंगा जिससे कि आपको याद रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बच्ची मतलब गैस के लिए लगाते थे इनको लिखा कैसे, तो 45 में 40 वर्ड्स को मैं 7-8 वर्ड्स को पैराग्राफ बनते हुए लिए फिक्स करूंगा, बाकी जैसे फिर 45 वर्ड्स ऐसी लाइन में ले सभी, फिर इतना बचा अपने पास 30 वर्ड्स, तो 30 वर्ड्स जो होंगे ना वो सभी के डिफरेंट होंगे, बाकी के 40 और 45 वर्ड्स जो होंगे वो सभी के लिए सेम, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं एक वर्ड्स कुछ आपको फिक्स करूंगा जो मैं लिखूंगा वो आपको लर्न करनी है और फिर आप आराम से बना सकते हो। कल आप लोग क्या करोगे, कुछ करप्शन के बारे में कुछ स्वयं लिखोगे, क्या होता है करप्शन, फिर मैं जो वीडियो बनाऊंगी सब देखूंगा वो आप देखोगे। तो आज की वीडियो में